लड्डू को तो देखकर ही मन खुश हो जाता है और मुंह में पानी आ जाता है। तो आज हम बनाएंगे हलवाई की दुकान वाले स्वादिष्ट रसीले परफेक्ट बूंदी के लड्डू, जिसे एक बार खा लेंगे तो बार बार खाने का मन करेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक बड़े बाउल में 2 कप बेसन ऐड करते हैं। हमने जिस कप से बेसन लिया था उसी कप से 2 कप पानी लेंगे। एक कप पानी ऐड करते हैं। घोल लेते हैं बेसन को। इस तरह चलाते हुए बेसन को फेंट लेंगे अच्छे से, जिससे कोई लम्स ना रहे। दूसरा कप पानी ऐड करते हैं। पानी को एक साथ नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा डालकर घोल बना लेते हैं, जिससे कोई लम्स ना रहे। एक पिंच रेड येलो कलर ऐड करते हैं, मिक्स कर लेते हैं। एक पिंच बेकिंग सोडा ऐड करते हैं, मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। 2 कप पानी डालकर हमने अच्छे से फेंट कर तैयार कर लिया इस तरह से। एक चम्मच गरम तेल ऐड करते हैं, इसे बूंदी बहुत ही अच्छी और क्रिस्पी बनेगी। तेल को रखा मीडियम आंच पे, तेल अच्छे से गर्म हो गया है। हमने एक छन्नी लिया बूंदी छानने के लिए, इसी से बूंदी तैयार करेंगे इस तरह से ऐड करते हैं। मीडियम आंच पर बूंदी को उलट पलट कर फ्राई कर लेते हैं। बूंदी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। बूंदी बनाकर तैयार कर लिया है, चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। कढ़ाई में 2 कप चीनी ऐड करते हैं। कप से 2 कप पानी ऐड करते हैं। इंडक्शन ऑन कर लिया है, आज को तेज रखा है। आधा चम्मच इलायची पाउडर ऐड करते हैं, तेज आंच पर पका लेते हैं। चीनी के मेल्ट होने तक बराबर चलाते हुए पका लेते हैं। बराबर चलाते हुए चीनी को मेल्ट कर लिया है, इससे हम चिपचिपी चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी बनकर तैयार हो गई है, आंच को मीडियम रखा है। बूंदी ऐड करते हैं। बूंदी को चाशनी में मिक्स कर लेते हैं। बूंदी को चाशनी में अच्छे से मिक्स कर लिया है, ढककर 2 मिनट तक धीमी आंच पर पका लेते हैं, जिससे चाशनी बूंदी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। 2 मिनट हो चुका है, इंडक्शन ऑफ कर देते हैं, ढककर छोड़ देते हैं, जिससे बूंदी में चाशनी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। खोल कर मिक्स कर लेते हैं। बूंदी में चाशनी अच्छे से एब्जॉर्ब हो गई है। अच्छे से मिक्स कर लिया है, ठंडी हो चुकी है, इसे लड्डू तैयार कर लेते हैं। लड्डू तैयार कर लेते हैं चम्मच से, इस तरह से निकाल लेते हैं दोनों हाथों की सहायता से।
लड्डू बनाकर तैयार कर लिया है, इसी तरह से सभी लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे, प्लेट में रख लेते हैं। बहुत ही डिलीशियस टेस्टी बूंदी का लड्डू बनकर तैयार है सर्व करने के लिए। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये अच्छी रेसिपी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, आप भी बनाएं, खाएं, एंजॉय करें, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।